हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2023 का पेपर कल आपका हो चुका है और जैसे ही आपका पेपर हुआ है उसके बाद आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इसके अलावा कितनी टोटल सीट हैं, कितने विद्यार्थियों कॉलेज मिलने वाली है, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। तो तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो अंत तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल आपका बीएसटीसी का पेपर हो चुका है, लगभग सभी विद्यार्थियों का पेपर काफी अच्छा गया है, पेपर का लेवल यहां पर मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर आया है। तो यहां पर जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है ये मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बता दिया था। काफी सारे विद्यार्थी कट ऑफ वाली वीडियो को देख चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने कट ऑफ वाली वीडियो को नहीं देखा है कि भाई जनरल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, मेल की, फीमेल की, लगभग सभी यहां पर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी है, एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पर जो सवाल है आपका कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, अब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे वो सीईटी हो, यहां पर जो रिजल्ट हो तकरीबन एक महीने के अंतराल में आपका आ जाता है। यानी 28 तारीख को आपकी एग्जाम हुई है, 28 अगस्त को आपका पेपर हुआ है, तो यहां पर 30 सितंबर से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। वैसे नियम तो ये कहता है कि लगभग 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर भी अगर लेट होता है 5-10 दिन तो 30 सितंबर से पहले पहले यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है बीएसटीसी 2023 का वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में नए सत्र की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड जारी होगा कि भाई 600 में से आपके इतने नंबर आए हैं, कि 600 में से आपके 500 आए हैं, 450 आए हैं, 350 आए हैं, 300 आए हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका जो रिजल्ट है जारी हो जाएगा, साथ में स्कोर कार्ड भी आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा भाई आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद में फिर आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू होगी, उसमें आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए 3000 का जो चालान है वो जमा करना है। उसके बाद में आपको कॉलेज फिल करनी है कि भाई आपको कितनी कॉलेज लेनी है, ये सारी प्रोसेस आपकी बाद में हो जाएगी स्टार्ट। अब यहाँ पर कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया कि वीडियो बना दिया है मैंने, ऑल कैटेगरी का देख लेना। इसके अलावा कुल सीट और कॉलेज कितनी है, तो कुल सीट और कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी की यहाँ पर सीट है वो 25,500 के आसपास है, 25,000 या 25,500 के जो आसपास आपके यहाँ पर टोटल सीट है। इसके अलावा 372 कॉलेज है। कितनी कॉलेज है? 372 कॉलेज हैं। अब 372 कॉलेज है पूरे राजस्थान प्रदेश में, जिसमें सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। जो सरकारी कॉलेज हैं लगभग आपके 30-32 सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी आपके जिले हैं उनके अंतर्गत एक एक कॉलेज आपके डाइट की कॉलेज है तो उन्हें हम सरकारी कहते हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि अगर आपको डाइट में एडमिशन लेना है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो आपका जो अगला सवाल है वो यही है कि सरकारी कॉलेज डाइट के कितने अंक यहाँ पर लाने पड़ेंगे और कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो अगर आपके 400 से प्लस नंबर हैं, 400 से 450 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको डाइट मिल जाएगी। पिछली बार जो 450 जिनके नंबर आए थे उनको डाइट या जो सरकारी कॉलेज है वो मिल गई थी, तो इस बार भी 400 प्लस या 450 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज यानी डाइट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा जिनके 400 या 410 हैं, 420 हैं, उनको जो है मनपसंद कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जैसे कोई जयपुर में रहता है, अब किसी को डाइट नहीं लेनी लेकिन घर के पास में ही कॉलेज है या यहाँ पर जयपुर में आपको कॉलेज करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह कि लगभग जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, जिनका अच्छा स्कोर रहा है, उनको डाइट का इतना वो नहीं रहता कि मुझे डाइट में एडमिशन लेना है या मुझे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है। उनका मन यह रहता है कि भाई मुझे जो है एडमिशन मेरे मनपसंद कॉलेज में लेना है, मतलब घर के पास में लेना है, तो ज्यादा मुझे ट्रेवल नहीं करना पड़े। तो दोस्तों यहां पर अब आपका बीएसटीसी का एंट्रेंस हो चुका है, रिजल्ट आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, उसके बाद में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी, फिर आपको बाकी की फीस जमा करानी पड़ेगी, फिर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एंट्रेंस दे लिया है, अब उनको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हमें डीएड करनी है 2 वर्ष की, उसके बाद देखेंगे, मतलब जो भी देखेंगे अब 2 साल बाद देखेंगे। भाई यहाँ पर आपको सिर्फ बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है, अब काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी 6,18,000 फॉर्म थे, उनमें से 5 लाख या 5.5 लाख ने एग्जाम दिया, मान लीजिए 5.5 लाख ने दिया है, तो ऐसा तो ही नहीं कि 5.5 लाख को यहाँ पर जो है 25,000 सीट यहाँ पर मिल जाएंगी, सबको कॉलेज मिल जाएंगे, 25,000 लोगों को ही कॉलेज मिलेगी।
ओनली 25,000 लोगों को कॉलेज मिलेगी। तो जिनको कॉलेज नहीं मिलेगी, जो बारी पास हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भाई वो क्या करेंगे? अब उनको क्या करना है? क्या उनको अगले साल का इंतजार करना है कि भैया हमें तो भाई DLD करना है, हमें तो मास्टर ही बनना है? अगर ये इच्छा है तो फिर अगले साल का इंतजार करो। लेकिन अगले साल का आपको इंतजार नहीं करना है, आपको इसी साल से जो है प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि भैया सब कुछ यहाँ पर जो DLD है, सब कुछ आपका शिक्षक भर्ती ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर और भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि नया CET आने वाला है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है। CET 10+2 में भी और CET ग्रेजुएशन लेवल में तकरीबन 15 वैकेंसी होती है। इसमें आपका राजस्थान पुलिस है, आपका जो यहाँ पर है वनपाल है, आपका LDC है, जूनियर अकाउंटेंट है, ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ सम्मिलित है। तो अगर आपने पुराना CET नहीं दिया है तो नया CET भी जल्द आने वाला है। अक्टूबर नवंबर में आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी एग्जाम होने वाली है, तो आप CET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पहले CET दे रखा है, वो आने वाली जो LDC भर्ती है, जो एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली राजस्थान में, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन सबकी प्रिपरेशन के लिए हमने जेन्युइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच लॉन्च कर दिया है, यानी आपको फ्री क्लासेज अब डेली मिलेंगी। तो सुबह 9 बजे आपकी जो क्लासेज है राजस्थान GK की, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो राजस्थान GK की फ्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से, राखी के बाद में 1 सितंबर से आपकी जो यहाँ पर रीजनिंग की क्लास है वो भी शाम को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। डेली जो आपके BSTC की हो रही थी वो भी आपकी लगेगी। और इसके अलावा ऐप पर भी आपको बहुत जल्दी लाइव रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आप करिए, जल्द ही हम आपको अपडेट देंगे कि ऐप पर कोर्स लॉन्च होने वाला है। और यूट्यूब पर तो आपकी हमेशा फ्री क्लासेस और आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो चलते रहेंगे। साथ ही जितने विद्यार्थी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो है किसकी तैयारी करनी है। आपको CET की करनी है, LDC की करनी है, पटवार की करनी है, राजस्थान पुलिस की करनी है, कौन सा कोर्स आपको चाहिए, ऐप के अंदर क्या चीज़ें चाहिए, क्या अपडेट चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग जरूर बताएं और कमेंट्स भर दीजिए। 100-200 कमेंट, इससे भी ज़्यादा कमेंट आप लोग कर दो। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।